आज 4 सितंबर है। 4 सितंबर साल के नवे महीने का चौथा दिन भारत और विश्व इतिहास में अपना एक खास महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गईं। तो आइए नजर डालते हैं 4 सितंबर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर। 4 सितंबर साल 2012 यानी आज ही के दिन भारत को पैरालंपिक में पहला पदक मिला था। ये पदक गिरीश एस नागरेजा गोड़ा ने दिलाया था। उन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता था। इस प्रतियोगिता का नाम F42 रखा गया था। गिरीश एस नागराजे गोड़ा मूल रूप से कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले हैं। उनके बाएं पैर में विकृति है। उन्होंने प्रतियोगिता के फाइनल में सीजर्स तकनीक के सहारे कूद लगाई थी। इस दौरान वो 1.74 मीटर ऊंचा कूदे थे। गूगल की औपचारिक शुरुआत आज के दिन 4 सितंबर 1998 में हुई थी। आगे चलकर गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बना। फेसबुक की तरह ही गूगल की कहानी भी यूनिवर्सिटी कैंपस से शुरू होती है। 1995 में लैरी पेज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। यूनिवर्सिटी के आसपास के माहौल को दिखाने की जिम्मेदारी मिली सर्गेई ब्रिन और लैरी को। इन दोनों की जुगलबंदी ने दुनिया को गूगल दिया। दोनों ने गूगल नाम से पेज लिस्ट करने के बारे में सोचा, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से गूगल नाम से डोमेन रजिस्टर हुआ था। 4 सितंबर 1988 में आज ही के दिन जॉर्ज ईस्टमैन को रोल फिल्म कैमरे का पेटेंट मिला था। इसने फोटोग्राफी की दुनिया ही बदल दी। इसकी मदद से ऐसे कैमरे बनाए गए जिसमें पहले से रोल लगे होते थे। इससे 100 फोटोग्राफ्स तक खींचे जा सकते थे। ईस्टमैन ने आज ही के दिन कोडक को भी रजिस्टर किया था। ईस्टमैन कोडक कंपनी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। 2012 में दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुकी कंपनी अब नए सिरे से अपने बाजार को विस्तार दे रही है। टाइटैनिक मलबे की पहली तस्वीर आज के दिन 4 सितंबर 1985 में दुनिया के सामने आई थी। टाइटैनिक समुद्र में 13,000 फीट नीचे पड़ा हुआ था और 2 टुकड़ों में टूट गया था। टाइटैनिक को 20वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड की जहाज बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने बनाया था। इसे बनाने का काम 1909 में शुरू हुआ था और 1912 में इसे पूरा कर लिया गया था। 2 अप्रैल 1912 को इसका समुद्री परीक्षण हुआ था। 10 अप्रैल 1912 को ये पहले सफर पर निकला था, लेकिन हादसे का शिकार हो गया और डूब गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।